वहीं हेरिटेज नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल की राह पर हैं, जहां 6 सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम की ओर से वार्ता ना करने पर सफाई कर्मचारियों ने निगम मुख्यालय में धरना देकर अपना विरोध जताया। सफाई कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने बताया कि कोरोना महामारी में सफाई कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए काम किया था, लेकिन लंबित मांगों को लेकर नगर निगम सफाई कर्मचारियों का समाधान नहीं कर रहा है। तो वही मांगों का समाधान ना होने पर कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी है। माननीय महापौर साहिबा, यूनियन से बदसलूकी तरीके से पेश आती है, मांग पत्र लेके जाते हैं तो यूनियन के पदाधिकारियों को बदतमीज तरीके से बातचीत करती है। हमने हाल ही में 10 तारीख को 6 मांग सूत्र का ज्ञापन माननीय महापौर साहिबा के समक्ष पेश किया था। जब मांग पत्र हम पेश करने गए थे तो महापौर साहिबा यूनियन के पदाधिकारियों को बहुत बदतमीज तरीके से पेश आई और उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो होगा जो देखा जाएगा, आपको जो करना वो करो। हमारी जो मांगे जायज मांगे थी, कई वर्षों से कर्मचारी वार्डों में कार्यरत कर रहे थे, जो कोई 5 महीने में सेवानिवृत्त होने जा रहा है, कोई 3 महीने में सेवानिवृत्त होने जाना है, कोई साल भर में सेवानिवृत्त होने जा रहा है, उन कर्मचारियों का स्थानांतरण हर एक वार्ड से उठा के दूसरे वार्डों में कर दिया। माह जुलाई का वेतन 2018 के कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया जा रहा, उनसे काम तो लिया जा रहा है परंतु वेतन नहीं दिया जा रहा। 9 माह का अंतर वेतन एरियल का भुगतान सफाई कर्मचारियों का बकाया पर चल रहा है। पहले भी हमने अगस्त में जब आंदोलन की घोषणा की थी उस समय माननीय महापौर साहिबा ने हमें आश्वासन दिया था कि शीघ्र से शीघ्र कर्मचारियों का अंतर वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा।